सुन अरे कुछ तो बोल दो बता दे कहाँ रहते हो कोयला कोयला में रहते हो जी अच्छा यहाँ क्या काम करते हो ये ड्रैगन फ्रूट का काम करते हैं क्या काम दवाई कंचाओ अच्छा तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताओ ये कैसा होता है बढ़िया होता है बहुत बढ़िया बढ़िया होता है खाने में कैसा होता है खाने में अच्छा स्वादिष्ट है स्वादिष्ट है अच्छा और पैसे से मिलता है फ्री मिलता है जो लोग देखने आते हैं उनको खिलाते हैं फिर कुछ लोग उनको सैंपल में देते हैं फिर लोग मंगाते हैं फिर पैसे से मंगाते हैं अच्छा अच्छा तुम्हारी शादी आदि हो गई बता पूरी बात बताओ ऐसे तो शर्मा होता है हाँ तो योगी मोदी कैसे बने बताओ यार तुम ड्रैगन फ्रूट खिलाओगे तो कुछ तो फायदा तुम्हारे लिए हो बताओ जल्दी बताओ ड्रैगन फ्रूट के जो बारे में पूछना चाहो तो ड्रैगन फ्रूट बारे में बारे मत पूछो चलो अरे यार तुम्हारे नहीं यार पर्सनल लाइफ में अरे बता दो भाई अगर तुम बताओगे तभी मदद कर पाएंगे तुम्हारी यार नहीं अब आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूछना चाहो वही बताएंगे अच्छा अच्छा ये बताइए मतलब पानी पानी कब कब लगता है इसमें मतलब कितने दिन में लगता है पानी हफ्ता में लगता है सर्दियों में महीनों में दो बार लगता है अच्छा और गर्मियों में एक हफ्ते के अंदर लगता है अच्छा चलो या ड्रिप सिस्टम से या ड्रिप सिस्टम द्वारा लगा सकते हैं या जल बहाव बहाव करके लगा सकते हैं अच्छा यार हो गए गुरुजी के साथ साथ रहते रहते जान गए हैं ये फायदा नुकसान पहुँचा फायदा नुकसान क्या है इसके यह मौसम चेंज होता है तभी फंगी साइड असर खाली दिखाती है और कोई रोग नहीं लगता अच्छा फंगी साइड मतलब उसमें देखो लगी फफूंद अच्छा हेलो बहुत होशियार हो गए चलो ठीक है फायदा का लगा के ये कह देंगे कि जो लोग शहरों में लगाना चाहते हैं वो अपनी छत में लगा के मतलब इसको लगा सकते हैं इससे बंदरों से सुरक्षा रहेगी तुम्हारे चोरों से सुरक्षा रहेगी थोड़ा थोड़ा बस कुछ सेकंड का एडिट कर लेंगे बाद में अभी नीचे चलेंगे गुरु जी आ जाएंगे तो चलेंगे उनके उनसे साथ में बातचीत करते करते तब बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया देखिए कौन सी चिकन पार्टी कहाँ कहाँ भाई पर आओ हल गए परमानेंट आओ जंगल कहाँ से लाए किधर है कि अलग करके लाए कहाँ से लाए अभी पुराना ले लो अभी तू तो डाले हो कहाँ है कमल यार अपनी पत्नी पकड़वाई करता है यार वो कहाँ ले यार क्यों कर रहे हो ये देखो क्या गाड़ी बदल दी नमस्कार दोस्तों आज हम आए हैं अल्लागंज के चिलौआ में यहाँ पे हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानेंगे ड्रैगन फ्रूट क्या होता है और उससे क्या लाभ हैं हमारे यहाँ अल्लागंज में बहुत ही बड़े स्तर पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की जा रही है गुरुजी के द्वारा तो आज आइए मिलवाते हैं आपको गुरुजी से कि जिन्होंने यहाँ पे इतने बड़े स्तर पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अपने नज़दीक में ही आपको ड्रैगन फ्रूट मिल जाएगा बहुत से लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा ड्रैगन फ्रूट क्या होता है तो आइए मिलते हैं गुरुजी से नमस्ते गुरुजी गुरुजी ज़रा आप आज बताएंगे हमारे जो दर्शक हैं इन लोगों को कि ड्रैगन फ्रूट क्या है और आपने कैसे शुरुआत की पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए मैं आदित्य कुमार मिश्रा ग्राम चिलौआ तहसील जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से विज्ञान शिक्षक हूँ हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती 2018 में शुरुआत की थी ड्रैगन फ्रूट की मुख्यतः तीन किस्में होती हैं एक येलो वैरायटी होती है बाहर पीला अंदर सफ़ेद होता है उसे ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कहते हैं दूसरी वैरायटी बाहर लाल अंदर सफ़ेद होती है उसे वाइट वैरायटी कहते हैं तीसरी
बाहर रेड अंदर रेड, उसे रेड वैरायटी कहते हैं। वर्तमान में रेड वैरायटी का ही प्रचलन ज़्यादा है, उसमें औषधीय गुण ज़्यादा है, उसकी मार्केट वैल्यू भी 50 रुपये एक्स्ट्रा रहती है अन्य वैरायटियों के अपेक्षा। ये तीन किस्टार। अच्छा गुरुजी, अब आपसे एक दूसरा सवाल ये है कि ड्रैगन फ्रूट आपने यहाँ पे कब लगाया, इसकी शुरुआत कब से की और कैसे आपको प्रेरणा मिली यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट लगाने की? क्योंकि एक ऐसा फल है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो आपने कैसे मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया कि ये पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद में भी आपने यहाँ पे लगाया और सफल करके दिखाया इस फार्मिंग को, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत हमने वर्ष 2018 से की थी। हमने नेट के और यूट्यूब के माध्यम से देखा था, फिर हमने इसकी खेती के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से संपर्क किया, तो हमने इसके पौधे महाराष्ट्र से अक्टूबर 2018 में मंगवाए थे। 1600 पौधे 50 रुपए के हिसाब से मिला था, और हमने इसको तीन प्रकार की ज़मीनों में लगाया, जो बिल्कुल हमारी ऊसर बंजर भूमि है, यहाँ पश्चिम साइड में लगा हुआ है उसमें लगाया, और कुछ हमने नीची ज़मीन थी जिसकी ऊँचाई थोड़ी कम थी उस पर लगाया, बाकी सामान्य भूमि पर लगाया, तो तीनों जगह अच्छी ग्रोथ हो रही। वो हमने इसलिए लगाया था ट्रायल हो सके कि अच्छी भूमि में कैसा होगा, अगर भूमि बेकार है बंजर ऊसर तो कैसा होगा, तो हर प्रकार की भूमि में अच्छा चल रहा है। अच्छा। और इस समय पर हमारे पास 3 एकड़ खेतों में लगा हुआ है, बाकी टेलिस मेथड से है, रूफ टॉप फार्मिंग में छतों पर है, वाल फार्मिंग यानी दीवार पर खेती जो होती है, जैसे इजराइल में दीवार पर 3 लेयर में गेहूँ होता है, धान होता है, अन्य फसलें होती हैं, उसी प्रकार से हमने ड्रैगन की खेती दीवारों पे भी की है। हमारे पास 20,000 पौधा खेतों में लगा हुआ है और 20,000 पौधे का नर्सरी में स्टॉक रहता है। अच्छा गुरुजी, इसमें जैसे कि क्या हिसाब से पौधे मिलते हैं और इसे लगाने में प्लांटेशन करने में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, और इस फल से लाभ क्या क्या है? ड्रैगन फ्रूट की खेती का 1 एकड़ का खर्चा जो है बता रहे हैं आप, 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं। अच्छा। और एक पोल पे 4 पौधे लगाए जाते हैं, एक पौधे का रेट 50 रुपये होता है, तो इस प्रकार 1 एकड़ में 500 पोल लगेंगे और 500 × 4 यानी 2000 पौधे लगेंगे। 2000 पौधों का खर्चा 50 के हिसाब से 1,00,000 रुपये हो गया, और पोल अगर आप अपने आप बनवा लेते हैं लेबर करके या कोई मिस्त्री करके, तो आपका पोल जो है प्रति पोल 300 से 350 रुपये में तैयार हो जाता है। एक सीमेंट की बोरी में 9 पोल बनते हैं, इस हिसाब से करीब 1,25,000 और 1,00,000 पौधों का 2,30,000, कुछ लेबर कास्ट मिला के 2,50,000 का औसत खर्चा 1 एकड़ का आता है। अन्य यूट्यूब वाले बताते हैं कि वो 1 एकड़ में 4,00,000-5,00,000 लग जाएंगे, उनके हिसाब से नहीं, हम जो बताते हैं उसका कास्टकार का कम से कम सीमेंट अपना बाजार से लेके मोरंग गिट्टी, लेबर से आप बनवा लें पोल, तो आपका 2,50,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। तो ये जो फल होता है इससे लाभ क्या क्या है, ये किस ये फल जो है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, कैंसर, अर्थराइटिस जी, इनमें रामबाण फल बताया गया है, यानी बहुत ही लाभकारी है और ये शरीर का हार्मोन्स बैलेंस रखता है। जी। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ इसकी खेती कराई जा रही है कुछ जानकारी? उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यतः इसके 3-4 किसान हैं, बाकी कुछ लोगों ने और लगाया है, लेकिन अभी उनके पास फल पैदा नहीं हो रहा, क्यों इसका पौधा लगाने के 1 साल के बाद और दूसरे साल से पहले 1.5 साल में फल आता है जी। हम 18 से कर रहे हैं, हमारे पास तीसरी बार इस साल जो फसल हुई थी वो 3rd वर्ष की थी जी। और कुछ और जिलों में है भी छोटे किसान हैं, जो भी यूपी में किसान हैं वो सब 1 एकड़ या उससे छोटे किसान हैं जी। बड़े स्केल पे हमारे पास यहाँ खेती हो रही है। अच्छा। जो 20,000 पौधे हैं, टेलिस मेथड पे भी है और ड्रैगन पोल विधि में भी है, और दीवारों पे इस तरह भी खेत में चल के आपको दिखाएंगे जी। तो क्या हमारे हरदोई से मतलब ये फार्मिंग अभी शुरुआत हुई कि नहीं हुई हरदोई जनपद में? शाहजहाँपुर का पड़ोसी जनपद हरदोई है, हरदोई में अभी कुछ पौधे ले गए हैं, ज़्यादा अभी कोई विस्तृत स्तर पर नहीं कर रहा है। अच्छा गुरु जी, कहाँ कहाँ से लोग आकर यहाँ विजिट कर चुके हैं अभी तक, मतलब दूर दराज से कहाँ कहाँ के लोग, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि काफ़ी हमारे यहाँ उत्तराखंड, देहरादून, चमोली और राजस्थान, पंजाब और यूपी में औरैया, धौरहरा, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, एटा, इटावा, फरुखाबाद, इलाहाबाद में पौधे गए हैं, आदि जनपदों के किसान आते रहते हैं। संडे को यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, उनको उन किसानों को एक दिन की संडे को ट्रेनिंग भी देते हैं फ्री में जी, ताकि वो सीख सकें। अच्छा, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं फार्मिंग करेंगे जी। अच्छा।
अभी को नोएडा उसके अमेठी के दो किसान और दो हरियाणा के आए थे जी। वो देख गए, वो फरवरी में उसका प्लांटेशन करेंगे जी। जी, एक वर्ष में गुरु जी कितनी बार फल आते हैं इस पौधे में? ड्रैगन फ्रूट में एक वर्ष में 5 से 6 बार फल आते हैं जी। इसके अपने यहाँ उत्तर भारत में शुरुआत मई से होती है जी। मई में इसकी बड्स आती हैं कलिया टाइप, वो फ्लावर होके फल बनते हैं, तो वो जून में पक जाते हैं जी। इस प्रकार जो जून में बड़ी कलियाँ आती हैं वो जुलाई पकते हैं, ऐसे चक्र चलता रहता है नवंबर तक जी। जी, तो जून और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इस प्रकार 6 से 7 महीने तक फल रहते हैं। हमारे पास जो वैरायटी है उसमें दिसंबर तक फल रहे हैं, बल्कि अभी 1 जनवरी 2023 को हमने वीडियो बनाया था अपना खुद का छोटा सा, उसमें भी फल लगे हुए थे, उसके बाद वो फल हमने ये फल क्या रेट बिकते हैं गुरु जी? जब काफ़ी मात्रा में फलों का उत्पादन होता है बरसात के टाइम में तो इनका रेट 250 रुपये किलो रहता है जी। और जो फुटका दुकानदार है फिर वो 100 रुपये 110 से 120 रुपये प्रति पीस बेचते हैं जी। और इस समय पे जो है फलों का रेट अब 400 रुपये किलो है जी। तो क्या इस पौधे में रोग भी लगता है कोई, या फिर इसमें जो रोग कोई लगता है उसके लिए दवा वगैरह कहाँ से मिलती है? इन फलों में सामान्यतः कोई रोग नहीं पौधों में लगता है, केवल कभी जब मौसम चेंज होता है जैसे बरसात से सर्दी आएगी जी जी। या सर्दी से गर्मी आएगी या गर्मी से बरसात जी जी। तो फंगस का असर आता है जी। तो फंगस को रोकने के लिए जो बाजार में सामान्यतः फंगीसाइड है या जैविक में फंगीसाइड है उसका स्प्रे करने से वो रोग समाप्त हो जाता है, और कोई कीट या चिड़िया वगैरह कोई उसको नुकसान, मतलब कुल मिला के ये हर टाइप की जमीन में ये हर प्रकार की जमीन में हो सकता है। और आजकल जो घुमंतु पशुओं की समस्या है जी, खेतों में रखवाली की गाय या पशु नुकसान पहुंचाते हैं जी, उससे भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि कटीला पौधा नागफनी वैरायटी का जी, जी। जंगली सुअर है या नील गाय है या वन गाय है, घरेलू गाय घूमती है जी, जी। इनसे भी इन पौधों को कोई खतरा और नुकसान नहीं रहता है जी। जी, तो गुरु जी आपसे निवेदन है कि एक बार उन ड्रैगन फ्रूट के पौधों को एक बार चल के देखेंगे कि कैसे इसमें फार्मिंग की जाती है, कैसे पौधे लगे हैं जी। चलो हम आपको अभी, हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर हमारे स्कूल की बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल होती है जी। तो हमने इसमें भी लगा दिया है ड्रैगन फ्रूट का पौधा जी, जी। आप देख रहे हैं इसमें 1 इंच में 12 कांटे रहते हैं जी। जी, 4 कांटे इधर हैं 4 इधर हैं 4 इधर हैं 1 इंच में 12 कांटे हैं जी। इस प्रकार कटीला पौधा है, इससे तो दीवारों की सुरक्षा, दीवारों की सुरक्षा भी रहेगी जी, किसी चोर या किसी का खतरा नहीं रहेगा। और एंटी रेडिएशन पौधा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आजकल घरों में है जी, जी। जो रेडिएशन फैलता है वो सब पौधा सोख लेता है। अच्छा अच्छा, इस प्रकार घरों की सुरक्षा भी रहेगी, जो बंदरों का जो समस्या होती है तो उससे भी राहत मिलेगी सकते हैं, बंदर चोर किसी प्रकार की समस्या नहीं, सुरक्षा भी करेगा और खेती का भी लाभ इससे। अच्छा, ये पौधे ये कैसे रखे हुए हैं? नर्सरी है इसकी, नर्सरी है जो कोई लोग ले जाते हैं वो आपको भी दिखा रहा है, तो यही लगाई जाती है नर्सरी। हाँ, ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो है करीब 6 इंच का पौधा लगाते हैं। अच्छा अच्छा, और इसमें जब ऊपर किल्ला चलेगा तो नीचे जड़े बन जाएंगे इसका, ये ऊपर किल्ला इसका मतलब इसमें ऊपर मतलब बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है और इसमें जड़े बन रहा है, यहाँ लगाने वाला है। अच्छा, और मौसम भी सही हो रहा है, सर्दी कम हो गई, पौधों एक प्लांटेशन में तैयार है। अब ये फरवरी में हमारा पौधा सब जा रहा है जी। जी, पहले से एडवांस बुक था, जालों की वजह से रुका हुआ था, अब जाले कम हो गए, सब पौधा चल रहा है। आपके इस साइड में भी पौधे लगे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ये पेड़ पे भी चल जाते हैं? हाँ, पेड़ पे भी चल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो अगर कोई फलदार वृक्ष है उसमें बंदर वगैरह नुकसान करते हैं तो ये लगा सकते हैं? जैसे आम का पौधा हुआ, आपका किसी प्रकार का फल का पौधा हुआ, उस पर आप ड्रैगन का लगा दे तो कटीला पौधा, उस पर कोई बंदर या कोई जान नहीं चल पाएगा, तो एक में 2 फसलें हो जाएंगी। हमारे अभी आपको दिखाएंगे आम का बाग है, उसके साथ हमने ड्रैगन के पौधे भी लगा दिए। ठीक है ठीक है, चलो आम का बाग देखते हैं। हम आपको जो दीवाल पे दिखा रहे हैं इजराइल के मॉडल में जी, जी। इजराइल में दीवाल पे 3-3 मंजिल गेहूं होता है जी, जी। उसी से हमने प्रेरणा लेके इसमें हमने 3 लेयर में ड्रैगन की खेती की जी, जी। ये हमारा अपना जैसे गांव में अर्गनी होती पहले रजाई टांगी, उसी प्रकार से हमने जो पुरानी बेकार चीजों से अर्गनी बना दी जी, जी। और पौधे लगा दी तो 1 लेयर इनकी हो गई, दीवाल फार्मिंग है। हाँ, दीवाल फार्मिंग हो गई, वाल फार्मिंग या दीवाल फार्मिंग। दूसरा ये छज्जा है, इसमें हमने पाइप को गमले का रूप दे दिया, उस पर पौधे लगा दिए, 2 लेयर हो गई जी, जी। और इसके ऊपर एक 3 लेयर और है पाइप की जी, जी। तो इस प्रकार हमारी एक दीवार पे 3 लेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। अब आपको अंदर हम जी जी, आ जाओ,
फालतू का है फायदा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोल विधि है जी। ड्रैगन फ्रूट की ये विधि दुनिया में ज्यादा प्रचलित है जी। इसमें एक सीमेंट का पोल रहता है जी, उसमें चार साइड से चार पौधे लगाए जाते हैं, चारों साइड में पौधा। और जब ये प्लांट ऊपर पहुंच जाता है पोल के पास, तो एक कैनोपी के लिए सीमेंट की चक्ती लगाते हैं या टायर की लगाते हैं। टायर की चक्ती सस्ती पड़ती है और ये पौधों को ज्यादा लाभ देती है। इसकी जड़ें इसमें लिपट जाती हैं, जब बरसात में पानी बरसता है तो इसकी गोट में पानी भर जाता है जी जी, जिससे उसे पोषण मिलता रहता है। जो लोग सीमेंट की चक्ती लगाते हैं उत्तर भारत में, वो जब मई जून की गर्मी होती है तो वो गर्म होकर पौधे को दिक्कत देती है जी जी। इसलिए टायर थोड़ा सस्ता भी रहता है और इसका उष्मा जो गर्मी होती मई जून की, उससे बचाव रहता है पौधे का, ठंडक बनी रहती है। हाँ, ठंडक बनी रहती है जी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, बिल्कुल बेकार भूमि थी हमारी, बिल्कुल ऊसर भूमि है। पाइप कैसे पड़े हुए गुरु जी? ये पानी पाइप की ड्रिप लाइन की सिंचाई है। अच्छा, ड्रिप सिस्टम। हर जिले में यूपी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से या फल उद्यान विभाग से किसानों को 90% छूट पर सिंचाई की विधि लगाई जा रही है। जो किसान ड्रैगन फ्रूट खेती करना चाहते हैं, अगर वो सिंचाई के लिए लगाते हैं तो उनको घर बैठे इसकी सब्सिडी मिलती है जी जी। जो निर्धारित फर्म है, एक मनु तिवारी जी हरदोई के जी जी, वो लगवाते हैं, श्री कृष्णा इरीगेशन वाले जी जी, वो लगा जाते हैं और अपना पौधों के पास पानी पहुँचता जाता है। हाँ, जड़ों के पौधा पानी, पानी जड़ों के पास पानी पहुँच जाता है, उससे पानी की बचत रहती है जी, और खरपतवार कम जमते हैं जी जी। और आप देख रहे हैं इसमें ये डाल है, इस डाल में जितने कांटे होते हैं उतने ही इसमें फल आते हैं। जो एक कट के निशान आप देख रहे हैं जी जी, ये फल कट चुके हैं। अच्छा, अभी इसमें कितने दिनों बाद फल आएंगे? अब इसमें अप्रैल या मई से शुरुआत होगी। अच्छा, मई से आएगी, फिर दिसंबर तक फल रहते हैं। और ये जितने भी इसमें कांटे हैं, पूरे जीवन काल में 35 साल इसका जीवन काल होता पौधे का, 35 साल तक इसमें फल आएंगे जी। अब रोग की बात कर रहे हैं तो आपको दिखाते हैं, अगर कहीं पर पौधे में फंगस आ जाता है किसी प्रकार से जी जी, तो चाकू से इसको काट देते हैं, ऐसे कट करके निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, पौधा फिर भी हरा भरा बना रहेगा। डाल ये रूट होती है इसकी, ये रूट जब तक बनी रहेगी जी जी, तब तक पौधा आगे हरा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई समस्या नहीं है। हाँ, कहीं पे अगर कट थोड़ा फंगस आ जाए हाँ, तो उसको चाकू से निकाल सकते हैं, इसकी रूट सही बने रहेगी तो पौधा हरा भरा बना रहे। कुल मिला के थोड़ी बहुत देख रेख इसकी जरूरी है, कमी है देख रेख इसको। कोई अगर संडे टू संडे खेती करना चाहे कोई सरकारी कर्मचारी या किसान, तो अपना संडे को संडे देख ले। इसमें ऐसा नहीं कि अगर 10-15 दिन कुछ ना देख पाओ तो कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। ये हमारा 1 एकड़ का खेत है, पोल से पोल की दूरी 5 फीट रहती है, 5 से 6 फीट पोल से पोल की दूरी रहती है, और रो से रो की दूरी 11 फीट रहती है। अच्छा, वो बड़ा पोल है, ये बड़ा पोल है, इसकी 11 फीट दूरी है। इसके बीच में आप मल्टीक्रॉप गेहूँ, कोई 1 मीटर ऊंचाई की फसल कर सकते हैं, गेहूँ है, जौ है जी जी, और अपना बरसीम वगैरह, लहसुन प्याज कर सकते हैं। हमने तो इसके भीतर ही ड्रैगन फ्रूट ही लगा दिया, हमने इसके भीतर छोटा पोल लगा दिया, छोटा नहीं हाँ, तो यहाँ पे हो सकता नहीं होता, ट्रैक्टर जुताई करके कुछ भी कर हाँ, सकते थे। कुछ भी कर सकते, अगर ये नहीं होता तो कुछ भी कर सकते। और हमारे प्लाट हैं पीछे, उनमें आपको दिखाएंगे, उसके भीतर और भी फसल हो रही है। अच्छा, ड्रैगन के भीतर कोई भी फसल कर सकते हैं, वो हमारे दूसरे फार्म पे 1 एकड़ का। इसमें हमने अति घनत्व विधि लगाई है, इसे अंग्रेजी में अल्ट्रा डेंसिटी विधि कहते हैं, मतलब कम खेत में अधिक उत्पादन हमें लेना। इसमें हमारा 6,000 पौधा लगा है 1 एकड़ में, ये बड़े पोल लगे हैं। साल में गुड़ाई कितनी बार होती है सर? 2-3 बार, कभी जब खरपतवार मालूम पड़े तो निराई गुड़ाई करा। इसमें 1 एकड़ में कितना लाभ मिलेगा एक वर्ष में? 1 एकड़ में वैसे तो 6 लाख का रहता है हमारा, इसमें अधिक पौधा लगा है तो हमें उसका डबल लाभ मिलेगा। अच्छा सर, ये बड़े पोल हो गए जी, और ये छोटे पोल हो गए। तो इसको बेचने के लिए मार्केट कहाँ है, मतलब कहीं ज्यादा बाहर जाना पड़ता है? नहीं, बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता है। इसका 80% फ्रूट हमारे खेत से बिक जाता है, बाकी हरदोई है, शाहजहाँपुर, फरुखाबाद, अल्लाहगंज, ठीक है, इन शहरों में जो फल विक्रेता है, नियमित ग्राहक है, अपना मंगाते रहते हैं जी जी। ये बेकार भूमि थी जी, इधर खाली पड़ी हुई थी तो हमने यहाँ पर भी लगाया था जी, और यहाँ पर भी पौधे सही चल रहे हैं, आपको भी यहाँ पर दिखा रहे हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट का है, ड्रैगन फ्रूट पका हुआ है, ड्रैगन फ्रूट का फल है। हाँ, ये पका हुआ फल है जी, और इसके जो फ्रूटिंग का टाइम होता है वो अप्रैल से लेकर के जी जी दिसंबर तक रहता है। ये इसका साइज यही रहता है कि नहीं? ये बड़ा साइज होता है, छोटे साइज हमारे फ्रिज में रखे हुए थे। अच्छा अच्छा, तो हम सैंपल के लिए ले आए हाँ, आपको दिखाएंगे भी। रेड वैरायटी, बाहर भी लाल है, अंदर भी लाल होगा जी जी। और ये फल जो है, जैसे एक कट लगा है, इसे यहाँ पर पकता है, जब पक जाता है तो उसको काट लिया जाता है जी जी, ठीक है।
काफी मात्रा में फल आते हैं आपको। चलना शुरू करे तो कर लेना। 3, 2, 1 स्टार्ट। जून से लेकर दिसंबर तक ये पौधे, ये जो लगाए गए इनकी लंबाई काफी ज्यादा है। हाँ, ये कितने वर्ष पुराने पौधे हैं? ये हमारे 2018 अक्टूबर 18 के ही लगाए हुए पौधे हैं जी। इनमें कुछ में फंगस आई थी तो हमने चाकू से निकाल दिया, लेकिन पौधा हरा भरा है, ये देख रहे होंगे आप। और इसमें फल आते हैं। अभी तक ये कितनी बार फल दे चुके होंगे? अभी ये 3 बार फल दे चुके हैं, 3 साल तक फल आ चुके हैं। 2022 में आए हैं जी, 2021 में आए हैं और 20 में आए थे जी। जी यहाँ पे ये कितनी जगह में लगा हुआ है? ये आधा एकड़ है। अच्छा, ये आपका बाग है, आम के बाग में लगाया है? ये गुरु जी ये अलग तरीके से लगे हुए हैं, ये कौन सी विधि है? ड्रैगन फ्रूट की टेलिस विधि है। टेलिस विधि? हाँ, टेलिस विधि में कम जगह में ज्यादा पौधा लगाया जाता है। उसमें केवल पोल पे ही पौधे रहते हैं जी, इसमें लगातार पौधे रहते हैं और पोल की अपेक्षा इसमें 3 गुना पौधा आ जाता है। अच्छा अच्छा। और उसी हिसाब से 3 गुना फिर फलों का उत्पादन भी होगा। ये हमारा आम का बाग था, यहाँ पे जगह कुछ खाली पड़ी हुई थी जी, तो हमने इसको छोटे पाइप बना करके और सरिया लगा करके टेलिस विधि में लगा। मतलब इस तरीके से अगर बाग की घेरबंदी करनी है, अगर किसी के पास अमरूद का बाग है, आम का बाग है और बीच में जगह खाली पड़ी है, तो वो व्यक्ति अपने संग में आम के साथ साथ में ड्रैगन फ्रूट की फसल कर सकता है और उसका लाभ ले। इससे ये है कि घुमंतू जानवरों से भी बचाव होगा। हाँ, और अगर कुछ किसान लोग इसको खेतों की मेड़ पे लगाना चाहें तो घना करके मेड़ पे तार के सहारा लगा दे, इसी विधि से लगा सकते हैं। हाँ, तो बाउंड्री हो जाएगी, उन्हें लाभ भी मिलेगा और बाहर के जानवर जो घुमंतू है वो खेत में नहीं घुस पाएंगे। हाँ, फसल से सुरक्षा भी रहेगी। इस पौधे में ये पीला पीला सा दिख रहा है, ये क्या? अभी मौसम बदला है, अभी आज 23 जनवरी है तो मौसम अब धूप होने लगी तो थोड़ा फंगस आ रहा है इसको। अच्छा, यही फंगस होता है? हाँ, यही फंगस होता है, पीलापन होता है, जिसके अंदर पानी होता है वो पकने लगता है। अच्छा अच्छा। तो अभी हम इसको चाकू से इतना निकाल देंगे जी जी, और बाकी इसमें फंगिसाइड के स्प्रे कर देंगे, सही आ जाएगा। अच्छा, यही इसमें थोड़ा रोग आता है। हाँ, यही मौसम चेंज होता है, इसी को फंगस कहते हैं जी जी, बाकी और कोई रोग नहीं होते जी। पीलापन है इसका, वो सही हो जाएगा जी जी। ये यहाँ से जो दिख रहा है ये फंगस हटाया गया? हाँ, ये फंगस हटाया गया, जो चाकू से हटाया गया। अभी एक पौधा तो हरा भरा है जी, ऐसे दिन में आ गया वो हटवा देंगे और पौधा सही हो जाएगा। जो गैपिंग है इसकी गैपिंग की क्या लंबाई चौड़ाई रहती है? ये तो हमने थोड़ा कम कर दी है, बाग था इसमें कुछ ज़्यादा जगह नहीं थी जी, तो हमने इसको 4.5 फीट पे लगा दिया। वैसे इसका मानक साइज जो है पोल से पोल का 6 फीट और लाइन से लाइन 11 फीट होना चाहिए, तो हमेशा ट्रैक्टर से इसकी जुताई होती रहती है और फसल होती रहती है जी जी। अलग फल जो है हमारा आम का बाग था जी, खाली जो ज़मीनें हैं तो उसमें हमने ड्रैगन फ्रूट भी लगा दिया है, तो मई जून में आम खाते हैं जी और जून से लेकर दिसंबर तक ड्रैगन फ्रूट खाते हैं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है? हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है, हार्मोन शरीर के बैलेंस रहते हैं, एंटी एजिंग फल है और लाभदायक है, आजकल इसकी बहुत डिमांड है, तभी इसको रामबाण बोलते हैं। हाँ, इसको हर बीमारी में ये फल कामयाब है, कामयाब रहता है, बीमारियों में बहुत अच्छा फल माना गया है। ठीक है, इधर हम लोग चल रहे हैं। ये हमारा 1.5 एकड़ का प्लाट है, इसमें भी ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया हुआ है, 850 पौधे लगे हुए हैं जी। और इसमें अभी आपको दिखाते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में पौधे दिख रहे हैं गुरु जी। हाँ, ये कितने साल पुराना लगाया गया प्लांटेशन है? 2 साल हो गए, अपने ही पौधे बनाए, अपने यहाँ लगाए। अच्छा अच्छा, इसमें बीच में कुछ और भी किया है क्या? हाँ, इसमें बीच में बर्फ या कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर से आराम जुताई हो सकती है, ये हमारा 1.5 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट का फार्म है जी। इसको अभी करीब 2 साल होने वाले हैं, फल इसमें आने लगे हैं। इसके पौधे हमने अपनी ही नर्सरी में तैयार किए थे और लगाए हुए हैं जी। इसमें जो हम आपको बता रहे थे कि पोल से पोल की दूरी 5 फीट होनी चाहिए और लाइन से लाइन की 11 फीट होनी चाहिए, तो इससे ट्रैक्टर आराम से चल जाएगा और इसके बीच में गेहूँ और छोटी फसलें आराम से हो जाएंगी। रोटावेटर से जुताई हो करके आप देख सकते हैं। इसमें काफी गैपिंग दी गई है। हाँ, गैपिंग दी गई। इस प्रकार अगर कोई 1 एकड़ में करता है व्यक्ति तो उसका केवल 20% खेत ड्रैगन में जाएगा, बाकी उसका 80% मूल फसल के लिए बना रहेगा। अगर कोई किसान करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है। और हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं जी कि किसानी की खेती घाटे की नहीं है। ये आप देख रहे हैं, हमारी शीशम 2016 की लगवाई हुई है। अच्छा अच्छा। पूरे यूपी में किसी के पास इतनी शीशम नहीं होगी जी। 2000 शीशम हमारे खेतों की मेड़ पे लगी हुई है जी। केंद्र सरकार की योजना 2017 में निकली थी जी, उसे कृषि वानिकीकरण योजना कहते हैं। उसकी मूल धारणा है
कि हर काश्तकार अपने खेतों की मेड़ पर टिम्बर प्लांट लगाए, इससे भविष्य में होने वाले पुत्र पुत्रियों की शादियां फ्री में निपट जाएंगी जी। तो उसी अवधारणा को हमने अपनाते हुए अपने खेतों की मेड़ पर सीसम लगाई हुई है। कितनी सीसम लगी होगी? 2000 सीसम हमारी है यहाँ पर, 350 है उस मेड़ पर है जी। और जो हमारे आप इधर दिखा रहे हैं आपको ड्रैगन फ्रूट में जो हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, ये महोगनी के पेड़ हैं। अच्छा अच्छा। तो जाली पे महोगनी हमारा किनारे किनारे लगा हुआ है, और जो हरे पेड़ दिख रहे हैं तो महोगनी भी है। अगर जो किसान खेती करना चाहते हैं भीतर अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती करें और बाउंड्री पे टिम्बर प्लांट लगा लें, वो करोड़ों का उनका हो जाएगा, ये उनकी भविष्य की FD हो जाएगी जी। जी। हमारे पास ये करीब 50 पौधे महोगनी के बड़े हैं, बाकी 500 पौधे हमने और खेतों में लगवाए हैं। इसमें आमदनी भी होगी और पर्यावरण भी। वो आपकी भविष्य का ग्रीन गोल्ड है, इसे ग्रीन गोल्ड कहते हैं, हरा सोना जी। जी। सीसम का रेट 800 रुपये घन फीट है, महोगनी का 3000 रुपये घन फीट है जी। जी। जिनको पौधे चाहिए हो तो महोगनी के पौधे उपलब्ध कराते हैं 50 रुपये पौधा, और सीसम भी। और सीसम भी, बाकी जो बाहर के एजेंट होते हैं वो 100 रुपये 120 150 रुपये पौधा देते हैं, हमारे पास 50 रुपये का पौधा महोगनी का मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, 2.5 फीट ऊंचा जी। जी। तो इसके अलावा कुछ और भी प्लान गुरुजी चल रहा है भविष्य में, कुछ मतलब फार्मिंग का नया कुछ तरीका? हाँ, हमारे बेटे अंशुल मिश्रा हैं, उन्होंने चेन्नई से कंप्यूटर साइंस से BTEC किया था जी। जी। और उसके बाद डेटा साइंस का कोर्स दिल्ली में हमने कराया जी। तो बाहर हमने नौकरी ना करा कर उनको हमने यही ड्रैगन फ्रूट की खेती में लगाया है, वो हमारा इसमें सहयोग करते हैं जी। जी। और ड्रैगन फ्रूट की खेती देखते हैं, बाकी ऑनलाइन जो भी इसका पौधे जाने हैं, फल जाने हैं, उनका पैसा आना है, वो अंशुल के द्वारा ही होता है। तो और अंशुल भैया क्या यहाँ हैं? हाँ, अंशुल अभी, अंशुल मिश्रा से अभी आपका हम परिचय कराएंगे। ठीक है उसी ड्रैगन। दोस्तों अब हम मिलते हैं अंशुल मिश्रा जी से, ये गुरुजी के बेटे हैं और ये कंप्यूटर साइंस पुणे में थे, और वहाँ से इन्होंने वो पढ़ाई और वो डिग्रियाँ छोड़ के और खेती में ये ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में इन्होंने अपना योगदान दिया आके, और ये उसी को देख रहे हैं। तो जानते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में अंशुल भैया से। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल मिश्रा और मैंने जो है चेन्नई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी 2015 से 2019 के बीच। तो उसके बाद मैं दिल्ली से डेटा साइंस का कोर्स भी किया था। उस टाइम पे एक अवधारणा ये थी कि अधिकतर जो बच्चे थे वो सभी का कहना था कि अपना काम करना है, अगर नौकरी करना चाह रहे थे लॉन्ग टर्म में कोई नौकरी नहीं करना चाह रहा था, एक दो साल सभी को करनी है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नौकरी कोई नहीं करना चाह रहा था। उसका रीज़न है कि नौकरी में आपकी वो ग्रोथ नहीं हो सकती है जो आपके खुद के काम में ग्रोथ हो सकती है। तो 2018 में जो है हमारी थर्ड ईयर थी, उसी टाइम पर सारी चीज़ें जो है दिमाग में आई, पापा हमने जो है नेट से चीज़ें देखी और सर्च करी खेती के बारे में, कौन सी खेतियाँ जो है अच्छी है, फायदेमंद है, उन्हीं के बारे में जो हम लोग सर्च करते रहते हैं। तो उसमें जो ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जो है पता चला। आइए अब हम मिलते हैं अंशुल भैया से, जो गुरुजी के बेटे हैं और पुणे चेन्नई में ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के और गुरुजी की जो फार्मिंग है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग उसको अपनाया, उसको कैसे एक छोटे स्तर से लेके आज बहुत बड़े स्तर पहुंचाया है, जो हमारे उत्तर प्रदेश से लेके अन्य सभी राज्यों में फेमस है। तो आइए मिलते हैं अंशुल भैया से। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल मिश्रा और मैंने जो है चेन्नई से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करी 2015 से 2019 के बीच। उसके बाद जो मैंने दिल्ली से एक साल का करीब 6-8 महीने का डेटा साइंस का कोर्स भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे वो सीधा डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस छोड़ के जो है हम यहाँ खेती में कैसे आएगा, तो उसका रीज़न ये है कि 2018 के आसपास की बात है, हम लोग जो है इंटरनेट पर जो है अच्छी खेतियों के बारे में सर्च कर रहे थे, तो उसमें जो है हमें ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी पता चला। तो और रिसर्च करने के बाद जो है ये आइडिया आया कि इसकी खेती जो साउथ इंडिया में ज़्यादा होती, तो हमने जो है उनसे जो फार्मर थे वहाँ पे उनसे कांटेक्ट किया, फिर वहाँ पे अपने चाचा मामा को भेजा, वो वहाँ से जो है पौधा लेके अच्छा, वहाँ साउथ हाँ, वहाँ भेजा महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर, वहाँ के किसान थे, वहाँ वो लोग गए पौधा लेके आए, 2018 से यहाँ पे प्लांटेशन हो गया। अच्छा, एक डेढ़ साल के बाद जो है यहाँ पे फल आया था 2020। तो पहले जब आप आए थे तो कितनी जगह में आपने शुरुआत कराया था यहाँ? तो 2018 से जब स्टार्ट हुआ तो करीब करीब हम लोगों ने महाराष्ट्र से पौधा मंगाया था 1600 पौधा लगा के लगभग एक एकड़ की एरिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे 2022 अभी 23 शुरू हो चुका है, तो हमारे पास लगभग जो है 5 एकड़ के बराबर एरिया में लगभग 22,000 पौधा लगा हुआ है हमारा खुद का जी। जी, जो हमें लग रहा है शायद उत्तर भारत के सबसे बड़ा प्लांटेशन है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, दो ही जगह तो लगा हुआ है। अच्छा, ये मतलब जब आपने शुरू किया था तब तो बहुत छोटे स्तर पे था और इसके लिए मार्केटिंग में भी काफ़ी दिक्कत आई रही होगी, लेकिन बाद में आज जो है अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, तो ये आपने कैसे किया? अब आपको जो यहाँ पे थोड़ा अपडेट करना चाहेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं छाया हुआ है, पूरे देश में छाया हुआ है जी। अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे ड्रैगन फ्रूट की खबर जो हमारी स्टोरी थी सितंबर के महीने में पाकिस्तान में छपी है, अल जजीरा जैसे बड़े न्यूज़ पोर्टल में छपी है जी, अफ्रीका महाद्वीप के 30 देशों में छपी है जी, थाईलैंड में छपी है, इंडिया के 4-5 हज़ार अखबारों में छपी है। अगर आप गूगल पर जाके सर्च करें खाली ड्रैगन फ्रूट शाहजहाँपुर न्यूज़, इतना सर्च करेंगे तो आपको जो है शुमार नहीं है कि कितने न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल में छाई हुई, तो छाई तो पूरे देश भर में है।
तो ऐसे तो अभी की बात हो गई, लेकिन हम बीच में बताना चाहेंगे जो हल्का सा स्ट्रगल था इसको जो है पॉपुलर करने के लिए जी, वो बताना चाहेंगे। जब एक बार खेती लग गई थी, पौधा जो है प्लांटेशन हो चुका, तो हमने पापा से कहा कि नई चीज़ है, लोग इसके बारे में जागरूक नहीं थे, तो जागरूकता फैलाने के लिए हमने पापा से कहा कि जो भी लोग खेत पर आते रहें उनकी फेसबुक पर फोटो खींचो, फेसबुक पर अपलोड करो, आप बताओ कि ये जो आप फला व्यक्ति आए थे, इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी, लगाने का विचार किया। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि जब हमने जो है यूट्यूब पर ब्लॉग और वीडियो वगैरह हम भी बनाते रहते हैं, तो समय समय पर जो है वीडियो वगैरह बना बना के जागरूकता फैलाते रहे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। डिजिटल मार्केटिंग मान लो आप, लेकिन क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट कैसा है उसकी सेलिंग से पहले आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना प्रोडक्ट आपका कैसा भी हो मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो शायद जो है उसकी बिक्री में समस्या आएगी। तो हम लोगों ने लगभग 1 से 1.5 साल तक अच्छी मार्केटिंग कर ली थी, जब फल आया तो हमें बेचने और बिक्री करने में कोई समस्या नहीं आई। जी जी। अच्छा, ये जो फार्मिंग आपकी यहाँ दिख रही है, तो ये कितने साल पुरानी फार्मिंग है और इसको किस कौन सी विधि बोलते हैं? आप लोग जो है इसमें अगर खेती देख रहे होंगे सामने, तो इसमें आपको दो तरह के पोल देख रहे होंगे, एक तो जो है बड़े बड़े पोल हैं, दूसरे इसमें छोटे वाले पोल हैं। तो इसको नॉर्मली बोलते हैं पोल मेथड या रिंग मेथड, इसका नाम बोला जाता है। प्लस हम लोगों ने इस वाले खेत में जो मल्टी क्रॉपिंग भी कर रखी है, एक जिसको हिंदी में सह फसली बोलते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं ड्रैगन के साथ आप कोई भी नॉर्मल फसल कर सकते हैं जिसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट रहे, लेकिन हम लोगों ने जो है इसमें नॉर्मल फसल ना करके बीच में जो आप छोटे पोल दिख रहे हैं वो छोटे पोल ड्रैगन के ही लगा दी। बड़े पोल का औसत एस्टिमेटेड अर्निंग होती 6 से 7 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, लेकिन हमारी उम्मीद है छोटे पोल से भी हमें 3-4 लाख रुपए मिल ही जाएगा जी। तो इसका नाम पोल मेथड या रिंग मेथड है। अच्छा, ये रूफ फार्मिंग ये कैसी है? आप लोग अभी देख सकते हैं पीछे, अब हमारे इस वाले छत के इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ गमले वगैरह दिखेंगे, इसको जो है रूफ टॉप फार्मिंग बोलते हैं। कि रूफ टॉप मतलब छत के ऊपर जो खेती हो सके उसको जो है रूफ टॉप फार्मिंग बोलते हैं। तो ये जो हमारी छत के ऊपर खेती हो रही है, मतलब अगर शहरों में कोई ये प्लांटेशन करना चाहे, ये फल लगाना चाहे, तो अपने छत पे, सिर्फ छत नहीं, आप जहाँ भी आपके पास छत पे जगह हो, जैसे हमारा तो प्योर गाँव है, इंटर कॉलेज की छत है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिले आप जो है गमले वगैरह लगा के भी इसकी खेती कर सकते हैं। वो उत्पादन भले खेत के मुकाबले थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा जी। कौंसल भैया, ड्रैगन फ्रूट की जिसकी काफ़ी तारीफ सुनी है और चर्चा है, तो क्या आप दिखाएंगे कि कैसा ड्रैगन फ्रूट होता है और कैसा स्वाद होता है खाने में उसका? तो असल में क्या है, इसकी पैदावार तो होती जून से लेकर दिसंबर तक, लेकिन हम लोगों ने कुछ फलों का जो है स्टोरेज कर रखा है फ्रिज में, करीब 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। नॉर्मली जो है ये दिसंबर की स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये खराब नहीं होता? लेकिन आप जैसे कुछ लोगों के लिए बचा के रखा है, इसको जो है एक फ़ायदा ये भी है, इसे आप काफ़ी दिनों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का फल है ये। अच्छा अच्छा। फ्रिज में रखा था बिना फ्रिज के, नॉर्मली 10 से 12 दिन तक इसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, फ्रिज में लगभग जो है ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा से रखा हुआ है। तो बहुत सुंदर है ये तो बहुत सुंदर और डिजाइनर देख रहे हैं, तो है। कीवी फल की तरह जो काले रंग के बीज होते हैं, अंतर बस ये है उसमें सिर्फ एक रिंग में आता है, एक काले घेरा ऐसा बना होता है, लेकिन इसमें जो पूरे फल में है। अच्छा, ये कितने कलर में आता है ये फल? नॉर्मली इसके 3 कलर होते हैं, गूदा तो इसका 2 रंग का होता है, एक सफ़ेद रंग का गूदा होगा, एक जो है लाल रंग का गूदा होगा। लाल गूदा जो होगा पकने के बाद वो फल ऊपर से लाल अंदर से लाल, उसको बोलते हैं रेड ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, दूसरा होता है जो अंदर गूदा सफ़ेद होगा पकने के बाद ऊपर लाल हो जाएगा, उसको बोलते हैं व्हाइट ड्रैगन जी। जिसको जो पकने के बाद ऊपर से पीला अंदर से सफ़ेद होगा उसको बोलते हैं येलो ड्रैगन फ्रूट जी। तो गूदा नॉर्मली 2 प्रकार का होता है जी। ये उसे आप जो खाकर टेस्ट करिए, इसके बाद सील लो अभी ज़्यादा पके हुए हैं उसे आ नहीं रहे। टेस्ट तो बहुत अच्छा है यार इसका, और बिल्कुल वैसा ही है जो कीवी फल की तरह। विटामिन सी होती है इसमें, फाइबर अच्छा, विटामिन सी भी इसमें है कीवी से, इसके जो मेरे ये असल माइक इनका अच्छा है, अपना